उत्तराखंड की पूरा जनजातियां, पूरा जनजातियां उत्तराखंड की पूरा जनजातियां यानी उत्तराखंड की पुरानी जनजातियां, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की पूरा जनजातियां जो है, एक तो है कोल, ठीक है, दूसरा है हमारा किरात, ठीक है, और इसके अलावा खस, और इसके अलावा भोटांतिक। भोटांतिक ये प्राचीन जनजातियों में आपसे क्या पूछा गया था, ये सवाल यहां से भी आया था सर ना लोअर में, कि कौन पूरा जनजाति नहीं है, और उसमें क्या दिया था उसने, सक दिया था सर ना, सक तो बाहर की जनजाति है, उत्तराखंड की थोड़ी ना है, वो तो मध्य एशिया से यहां पर आई है, ठीक है, सेंट्रल एशिया से यहां आई थी, ये तीनों ऑप्शन थे, इसके अलावा चौथा ऑप्शन था सक। ये सक जो थे ये उत्तराखंड के नहीं थे, ये विदेशी थे, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, इसलिए अपने जानवर इत्यादि को चराने के रूप में क्या आई थी, भारत आई थी, और इसी शक सबसे फेमस शक शासक आपने सुना होगा रुद्रदामन, ठीक है, ये शक शासक ही था रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तब भी सुना होगा, जो संस्कृत में लिखित पहला क्या है, विशुद्ध अभिलेख है, ठीक है, संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख जूनागढ़ जो मिलेगा आपको इधर गुजरात में जूनागढ़ में। और इसके अलावा इनके जो संबंध थे, वैवाहिक संबंध रुद्रदामन के, वो किसके थे, सातवाहन के साथ, ठीक है, दक्षिण भारत में आंध्र में एक राजवंश हुआ करता सातवाहन, उनसे संबंध थे, ठीक है। बाकी आप ये सक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ध्यान रखिए, पूरा जनजाति नहीं है उत्तराखंड, ये बाहर से आई हुई है। और बाद की जो हमारी 1900 कब, जो बाद में 1967 में कितनी जनजातियां घोषित की गई, ठीक है, पांच, वो अलग है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, एक तो है जौनसारी, ठीक है, और इसके अलावा थारू, ठीक है, इसके अलावा भोटिया, ठीक है, और इसके अलावा बोक्सा, और इसके अलावा राजी। राजी इनके बारे में मैं आपको पूरी अच्छी तरह पढ़ा चुका हूं, कई लंबी क्लास हुई थी इसमें, पांचों के पांचों में आपको पढ़ा चुका हूं कि इनका क्या क्या इतिहास था, क्या क्या इनकी सामाजिक प्रथाएं थी, और ये कहाँ कहाँ निवास करती, वो सब हम देख चुके हैं उत्तराखंड के मैप में, बतौर मैप बनाया था और उसी में आपको क्या क्या था दिखाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ये जनजातियां, ठीक है, कोल, किरात, खस और भोटांतिक। देखिए उत्तराखंड की ये जनजातियां, आपसे सवाल क्या पूछता है कि कौन उत्तराखंड के निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे देता, खासी दे देता ऑप्शन, खासी कहाँ की जनजाति है, मेघालय के, ऑप्शन ये देता है, पूछेगा कि निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ऑप्शन देगा खासी, और ये आया भी है परीक्षा में, ठीक है, हाँ ना, निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है ना, तो खासी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय की क्या है, जनजाति है। अब आते हैं मैप बनाते हैं और उसी मैप में देखते हैं सारे, पहले भी दिखा चुके हैं आपको, इससे क्या होगा, मैप में आपकी पकड़ अगर अच्छी होगी तो आपको पता चल जाएगा, जल्दी याद होगा कोई भी चीजें हैं कि जनजाति कहां निवास करती थी, हिमालय क्षेत्र में अधिकांशतः, इसके जो क्षेत्र इत्यादि वही मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जनजाति उत्तराखंड में अधिकांशतः किस क्षेत्र में निवास करती थी। अगर हम बात करें कोल, किरात और खस और भोटांतिक, तो उत्तराखंड का जो संपूर्ण उत्तराखंड में सबसे पहले निवास करने वाली जनजाति जो है वो कौन सी है, कोल, ये उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड का प्रथम नरजाति समूह, नरजाति समूह। अब की नरजाति है क्या, नरजाति अगर इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो दो शब्द निकल के आते हैं, एक नर और जाति, ठीक है, नर मतलब होता है नर या मानव, ठीक है, और जाति मतलब जात से संबंध, ठीक है, जात और जाति, ठीक है, उस जाति के हैं, यानी मानव जाति से क्या संबंधित, मतलब नरजाति शब्द का जो अर्थ निकल के आया वो उसका मतलब है जो क्या है, मानव जाति से संबंधित है, मानव जाति से संबंधित है, संबंधित है, मानव जाति से क्या है, संबंधित है। अगर इस तरह से सवाल आ गया कि कोल जनजाति संबंधित थी या किस प्रजाति की थी,
तो इसका राइट आंसर होगा निग्रिटो, ठीक है, निग्रिटो यानी निग्रो। और इसी निग्रिटो प्रकार के जनजाति आज भी हमारे भारत में निवास करती है, और वो कहां करती है, अंडमान निकोबार में। आज भी इस प्रकार के भारत में आपको लोग मिल जाएंगे, और वो मिलेंगे कहां, अंडमान निकोबार में। तो कोल जनजाति की क्या क्या विशेषता है और क्या क्या प्रथा इत्यादि प्रचलित थी, और उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जनजाति थी। अगर देखा जाए तो इन चारों में से अगर मैं इनका क्षेत्र अगर बांटूं कि कौन सी जनजाति कहां रहती थी, किस क्षेत्र में रहती थी, तो कोल जनजाति का अधिकांश भाग जो था वो गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। इधर जो हमारी थी वो कोल जनजाति, और ये वाला एरिया जो तो हमारा उत्तर वाला क्षेत्र, यहां पर थी भोटांतिक, ठीक है, भोटांतिक जनजाति का ये वाला एरिया था। और इसके अलावा खस वाला जो क्षेत्र था ये कुमाऊं वाला क्षेत्र, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र, ये पर्वतीय लगभग वाला खस क्षेत्र। और इसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है ये किरातवंशी, आपने सुना होगा ना कि जो हमारे थारू इत्यादि हैं वो आज भी क्या है, किरातवंशी हैं, बोक्स इत्यादि। इस क्षेत्र में जो निवास करती थी वो करती थी किरात, किरात जनजाति। तो ये आज भी यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र हैं, थारू जनजाति है जैसे इनमें, या बोक्सर जनजाति है, किरातवंशी जनजाति है। और इसके अलावा जो ये पश्चिम इधर हमारे सामान्यतः तो गढ़वाल क्षेत्र में कोल जनजाति निवास करती थी, इसके अलावा इस मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत खस जनजाति क्या करती थी, निवास करती। और इस उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनजाति जो थी भोटांतिक, जो इसी का ही रूप बाद में क्या हमारा, भोटिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछेगा कि कोल जनजाति से संबंधित एक सवाल जो पूछा गया है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम नरजाति समूह कौन सा है, ये तो कई बार पूछा गया। आप, मैं बता दे रहा हूं कि आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा कि पहले नरजाति शब्द है क्या, नरजाति का मतलब ही नहीं बताएगा, वो सीधे बोल देगा कि क्या रहने वाली उत्तराखंड में पहली जनजाति कौन सी है, कोल जनजाति है। चलिए फिर लिखें कोल जनजाति के बारे में, कोल उत्तराखंड में पाए जाने वाली प्रथम एवं सबसे प्राचीनतम नरजाति समूह है। मुंड व सवर प्राचीन ग्रंथों में कोलों को मुंड व सवर नाम से जाना जाता था, जो सामान्यतः श्याम वर्ण, जो सामान्यतः श्याम वर्ण एवं चपटी नाक घुंघरालू बाल कद के छोटे थे। इनकी विशेषता ये थी, ठीक है, उनकी विशेषता बता रहा होगा, कहीं पर विशेषता लिखने के लिए आई तो आप ऐसे शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो कोल जनजाति है, इस कोल जनजाति का अगर आपसे पूछेगा व्यवसाय क्या था ना, अगर वहां पर आ गया कि कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था बताओ, ठीक है, क्या वहां पर ऑप्शन देखिए क्या क्या हो सकते हैं व्यवसाय को लेकर, आपसे हो सकते हैं शिकार, ठीक है, ऑप्शन हो सकता है कृषि, ऑप्शन हो सकता है कृषि तथा पशुपालन, पशुपालन, और चौथा हो सकता है कोई नहीं, ठीक, तो इसका सही क्या होगा, इनका व्यवसाय सी या शिकार, ठीक है, इसका सही उत्तर है क्या, कृषि, ठीक है। देखिए वहां तक जाएगी नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे रख ही देता है, आपका दिमाग कहां जाएगा, पूरा जनजाति प्राचीन में आदमी क्या करता था, शिकार इत्यादि और क्या करता था, दिमाग केवल वहीं घुसेगा, उसके अलावा कहीं और सोचेगा नहीं, फिर उसके बाद सोचेगा तो दिमाग, हाँ कृषि दिया तो कृषि के साथ पशु भी पालती होगी बाद में, थोड़ा सा डेवलप हो गई होगी तो जनजाति, तो ध्यान रखिएगा पशुपालन इसका नहीं था, इसका जो मुख्य व्यवसाय जो था वो था कृषि। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, कोलों का मुख्य व्यवसाय या कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि था, कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर छोटी नदियों कोमा नालों आदि के नामों पर कोल भाषा के प्रत्यय गढ़ कोमा गाढ़, गढ़ कोमा गाढ़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गढ़ और गाढ़ आदि का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। जैसे हमने सुना होगा बरनी गाढ़, रेठा गाढ़, काली गाढ़,
रिखराड़, ठीक है। तो ये सब जो है इन्हीं की भाषा से क्या मिलते हुए मिलते जुलते हैं, प्रत्यय अधिकांश तो कहाँ, गढ़वाल क्षेत्र में। मैंने क्षेत्र भी दिखा दिया आपको कि किस क्षेत्र में क्या करती थी, निवास करती थी। ये देवी देवताओं एवं वृक्षों की पूजा करते थे तथा नाग पूजा के साथ साथ, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी, लिंग पूजा भी करते थे। कोल जनजाति में कुमार कुमारी, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। कुमार कुमारी प्रथा जो थी वो वैवाहिक या विवाह से संबंधित प्रथा थी, विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित प्रथा थी, जिसके अंतर्गत नवयुवक जो है, युवक और युवती को स्वतंत्र रूप से क्या किया दिया जाता, छोड़ दिया जाता था कि अपने मनपसंद का वर चुनने के लिए, ठीक है। तो वो थी कुमार कुमारी प्रथा। इसी प्रकार की आज भी कई भारत की कई जनजातियों में इस प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रथा पाई जाती है, चाहे वो बिहार में है या उड़ीसा है या झारखंड है, वहां भी आज भी इस प्रकार की क्या पाई जाती है, जनजातियों में व्यवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। तो उनमें से ये कुमार कुमारी प्रथा यहां भी प्रचलित थी, ध्यान रखिए। इसके अलावा आपसे जो सवाल पूछ सकता है कि शिव प्रसाद डबराल ने इसको कोल्ह कह के क्या कहा है, मुंड कहा है, और मुंड को ही क्या माना है उन्होंने, हिमालय की पहली जनजाति माना है। तो एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, शिव प्रसाद डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल कोमा करके लिखना चारण, ठीक है, इनकी उपाधि है शिव प्रसाद डबराल की, चारण घुमक्कड़वादी होने के कारण। शिव प्रसाद डबराल ने कोल या मुंड को, कोल ही मुंड है, हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। बस आपसे सवाल क्या पूछेगा, एक सवाल ही अगर, हाँ ये किससे संबंधित है, किस जाति से या किससे संबंधित है पूछेगा तो निग्रिटो, ठीक है, निग्रो, निग्रिटो से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल पूछेगा उत्तराखंड का प्रथम नरजाति समूह, और इसके अलावा इन्हें साहित्यिक ग्रंथों इत्यादि में क्या कहा गया, मुंड और सबर। अब इसी माम पढ़ते हैं कौन सी, किरात, यानी कोलों के पश्चात उत्तराखंड में जो अधिपत्य हुआ वो किस जनजाति का हुआ, किरात जनजाति का हुआ, किरात जनजाति, किरात। चलिए फिर लिखिए, कोलों के बाद उत्तराखंड में किरात जनजाति का अधिपत्य हुआ, किरात जनजाति का अधिपत्य, किरात जनजाति का अधिपत्य हुआ। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार किरात जनजाति उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति थी, सबसे प्राचीन जनजाति। किरात जनजाति को भारतीय प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों तथा विदेशी लेखों में, जो विदेशी लोगों ने लिखा है यहां पर, कील तथा किन्नर, कील तथा किन्नर शब्दों का उल्लेख हुआ है। नोट करके पॉइंट लिखना है इसको और याद भी रखना है, ये पूछा भी गया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों के लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूछा भी गया परीक्षा में, भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको याद रखना, भिल्ल शब्द का। अगर आपसे पूछेगा कि इनका व्यवसाय क्या था, ये घुमंतु पशुचारक थे, घुमंतु पशुचारक इनका व्यवसाय था, व्यवसाय लिख देना, इनका व्यवसाय जो था वो था घुमंतु पशुचारक। और सामान्यतः इस किरात जनजाति में आपने आज भी सुना होगा कि इनमें किस प्रकार की देखने को मिलती है व्यवस्था, जो पहले जो हमारे आज वर्तमान में थारू इत्यादि में है, और इसके अलावा ये किस प्रकार के है, मंगोलाइट, ठीक है। किरात जनजाति जो है अगर पूछेगा किस प्रकार के है तो मंगोलाइट प्रकार के है, मंगोलाइट, मंगोलाइट प्रकार के। चलिए फिर
किरात जनजाति का उल्लेख महाभारत के वन पर्व तथा भीष्म पर्व में मिलता है। इसके अलावा मेघा स्तनीज की पुस्तक मेघा स्तनीज की पुस्तक क्या इंडिका। मेघा स्तनीज की पुस्तक इंडिका में भी उल्लेख मिलता है। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा फिर से। किरातों की भाषा या बोली मुंडा थी। इसके अलावा आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया होगा कि रोम्बा किसकी भाषा थी, ये बताओ। ये किसकी थी? जाट जनजाति की। ठीक है, राजी जनजाति की भाषा क्या थी, ये बताओ। ठीक है, राजी जनजाति की क्या थी? मुंडा। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्व में भी, ठीक है, इधर पिथौरागढ़ के कनाली छीना डीडीहाट, इसके अलावा चंपावत क्षेत्र में रहने वाली जो राजी जनजाति है, इन राजी जनजाति की भी भाषा क्या है? मुंडा है। ये कई बार पूछा गया, और ये भी पूछा गया कि जाट जनजाति की भाषा क्या है? रोम्बा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखना। ये पहले मैं आपको लिखा चुका हूं जब जनजाति आपको पढ़ा था। किरात जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी तथा इनके आराध्य देव भगवान शिव हैं। चलिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये था किरात जनजाति। किरात जनजाति से सवाल क्या पूछेगा? इसका उल्लेख, इसके अलावा स्कंद पुराण में क्या कहा गया? स्कंद पुराण के केदारखंड में भिल्ल शब्द, इनकी भाषा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा ज्यादा। आगे आ जाते हैं खस। खस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है, और बृहत संहिता किसकी है, ये बताओ पहले। है सही आ रहा नाम? ठीक है, क्या क्या बाबुलकर, क्या कुशाग्र, फिर कौन सा? अगर आ गया परीक्षा में बृहत संहिता किसकी रचना, फिर तो गलत हो जाना है। किसकी है? किसकी? बाण भट्टे की। ठीक है, जो आप कहोगे वो लिख दूंगा। चलो, आप जो बोलते हो वो लिखूंगा, उसके अलावा कोई और नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये है आमीन। अरे यार, ठीक है, वराह मिहिर। ठीक है, कई बार आते हैं परीक्षा में कि बृहत संहिता किसके हैं, बृहत संहिता है वराह मिहिर। अब मेंस लिखने जा रहे हो, अब वहां ऑप्शन नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो? मेंस वाला लिखने में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वहां वाला ऑप्शन वाला दिमाग मत बनाओ आप। ठीक है, सीधे सटीक वाला लिखे, बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता क्वेश्चन लिखना, बराह में मैं खसों को तंगा कुलूत तंगा कुलूत सैनीरथ कौमा वन राष्ट्र कहा गया है। खसों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। राजशेखर की काव्य मीमांसा, राजशेखर की काव्य मीमांसा और कोई रचना है इनकी फेमस?
बताओ तो। कोई और रचना है इनकी फेमस, एक फेमस नाटक मैंने आपको बताया होगा कर्पूर मंजरी, ठीक है बताया था। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। कई बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सवाल पूछ दिया है कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के भी लेखक कौन है? राजशेखर। ठीक है ध्यान रखिएगा, ये राजशेखर जो है ये गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्र प्रथम और महिपाल के दरबार में क्या करते थे? रहते थे। ठीक है गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के दरबार में रहते गुजरात में, ध्यान रखिएगा। गुज्जर प्रतिहार वंश जो था इधर था हमारे गुजरात क्षेत्र में, वहीं राजशेखर रहते थे इन्हीं के दरबार में। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है काव्य मीमांसा, इसके अलावा कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी मैंने आपको बताया था, कर्पूर मंजरी का रूपांतरण जो किया था ये प्राकृत भाषा में लिखी, हाँ प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। और इसका रूपांतरण हिंदी में जो किया था वो किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक का कर्पूर मंजरी, और ये भी बताया था कि कर्पूर मंजरी जो है वो विदर्भ की राजकुमारी है, ठीक है। और अपनी पत्नी के कहने पर कर्पूर मंजरी की क्या लिखी उन्होंने? रचना लिखी, उसके बारे में लिखा, प्रेम कहानी लिखी। कर्पूर मंजरी की प्रेम कहानी है असल में। राजशेखर की पत्नी ने जब उन्हें कहा राजशेखर के इनके बारे में लिखो, तब उनके बारे में क्या किए? लिखी। चले फिर, राजशेखर की काव्य मीमांसा तथा पाल शासकों के अभिलेखों में खस जाति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पाल शासकों के अभिलेख में अशोक चल को, अशोक अशोक चल को खस देश का, चल लिखना पूरा, हाँ अशोक चल को खस देश का राजा कहा गया है। ब्रिटिश काल के दौरान 1885 में इसमें गवर्नर जनरल कौन था बताओ? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आईएनसी का गठन 1885 में डफरिन के समय, तो ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी में खसों को शूद्र वर्ग में, ये सवाल पूछा भी गया था, शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। अलपन लिखना, खसों में घर जवाई जेठी या जेठा, जेठा कौमा झटेला, जेठालाल नहीं, ठीक है झटेला कौमा टेकवा, जेठा के बाद झटेला फिर टेकवा, ठीक है टेकवा प्रथा प्रचलित थी। आगे बढ़ जाते हैं भूटांतिक, टाइम खत्म हो गया, भूटांतिक कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है यही रोक देंगे, ठीक है दूसरी क्लास भी तो है इसके बाद।